हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टेडिया एक्यूकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं राजस्थान शिक्षा जगत समाचार लेकर के आ गया हूँ। 5 सितंबर 2019 की बड़ी खबरें देख सकते हो। आज की न्यूज है RPSC, RSMSSB, BSTC, लेब असिस्टेंट, हेल्पर 2, शिक्षक के भी यहाँ से 4 पद खाली। सभी भर्तियों से संबंधित आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पूरी 50 बड़ी खबरें हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने जितने विद्यार्थी मित्र हैं वहाँ तक इस न्यूज़ को पहुँचाएं, क्योंकि इसमें राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवज्योति, अमर उजाला, जितने भी न्यूज़ पेपर आते हैं उन सभी की पूरी कटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी वो आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखना, बीच में वीडियो को स्किप नहीं करना है। दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का शिक्षा जगत समाचार। तो सभी विद्यार्थियों को शिक्षा जगत समाचार के साथ ही आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जल्दी से नौकरी लगे, हमारी यही शुभकामनाएं आपके साथ। अगली क्या न्यूज है, कई बार तो खटारा बाल वाहिनियों को धक्का भी लगाने हैं बच्चे। तो यहाँ पर कई बार तो जो खटारा बस होती है उन पर बच्चे धक्के लगाते रहते हैं। इस भीषण उमस में नौनिहाल द्वारा बाल वाहिनियों को धक्का लगाने की फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बस पर लिखा है राय सिंह नगर क्षेत्र के एक निजी स्कूल का नाम। तो यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है अभी हाल ही में श्री गंगानगर से। अगली खबर है राजस्थान विश्वविद्यालय को सिर्फ खुद की महिला शिक्षकों की सुरक्षा की चिंता, छात्रों को नहीं। तो यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। अगली खबर है विशेष योग्यजनों को उपकरण वितरण किए के लिए पंजीकरण शुरू। तो विशेष योग्यजनों को उपकरण की वितरण के लिए पंजीकरण शुरू, श्रीगंगानगर से खबर। अगली खबर है राजस्थान यूनिवर्सिटी में 7 तक ही प्रवेश हो सकेंगे, जयपुर से बड़ी खबर। अगली खबर है पल 33 जिलों के एक एक स्कूलों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू, सरकारी स्कूल के पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के बस्तों का वजन तय। एजुकेशन रिपोर्टर, पहली कक्षा की किताबें 900 ग्राम से 400 ग्राम की होगी, बड़ी खबर। गोविंद सिंह टोडासरा ने किया नया प्लान। अगली खबर है शिक्षा विभाग के बाद पहली बार रोडवेज महकमे में होंगे ऑनलाइन ट्रांसफ़र, कर्मचारी अपने तबादले के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी भर सकते हैं। इस प्रक्रिया के बाद कर्मचारी का तबादला ड्राइव खोला जाएगा। अगली खबर है राजकीय कॉलेजों में प्रवेश ले चुके छात्र भी नए कॉलेज में अब करा सकेंगे ट्रांसफ़र, बड़ी खबर। अगली खबर है 1534 प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती दस्तावेज सत्यापित हो चुके हैं पर चयनित सूची जारी नहीं हुई, अभी इनको 1 साल से ज़्यादा हो गया इस भर्ती को। अगली खबर है शिक्षा विभाग आज करेगा 103 शिक्षकों का सम्मान, जयपुर से बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर देख सकते हो। अगली खबर क्या है, विद्यार्थियों से 5 रुपये ही लिया जाएगा ऑटो किराया, आम यात्री से लेंगे 10 रुपये, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। कार्यालय संवाददाता करौली से बड़ी खबर कि विद्यार्थी से 5 रुपये ले जाएंगे और जो भी जनता है उससे 10 रुपये। अगली खबर है स्कूल में छात्र की पिटाई से खौफ नहीं आ रहे बच्चे, सुरोट से बड़ी खबर। अगली खबर है शक्ति जवाहर नवोदय विद्यालय में अभिभावक अध्यापक मीटिंग में लिया गया निर्णय, स्कूल में मोबाइल चलाने पर छात्र होंगे निलंबित, भास्कर संवाददाता धौलपुर से खबर। अगली खबर है शिक्षक अपनी भूमिका खुद तय करेंगे, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षक खुद अपनी भूमिका तय करे, क्या पढ़ाना है बच्चों को, क्या नहीं पढ़ाना है, कैसा पढ़ाना है, सब कुछ। क्योंकि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, उनकी के जन्मदिन पर यहाँ पर आज शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कई वर्षों से उन्होंने 38 नोबेल पुरस्कार जीते थे, उन्हीं के उपलक्ष्य में यहाँ पर उन्होंने बोला कि हमारी जयंती को एक शिक्षक के रूप में मनाया जाए, और आज से जब से उनकी जयंती को अब तक शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो सभी शिक्षकों को और मेरे गुरुजन को सभी को प्रणाम करता हूँ मैं, और आप भी अपने जो भी शिक्षक हो उनको एक बार कॉल करके ज़रूर प्रणाम करो। दोस्तों, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु जी को बहुत ही अच्छा लगता है कोई भी आपका गुरु होगा तो। अगली खबर है उच्च शिक्षा का निजीकरण एवं गिरता स्तर, उच्च शिक्षा का निजीकरण एवं गिरता स्तर। अगली खबर है पदोन्नति की मांग को लेकर प्रबंधक संघर्ष समिति में जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, भास्कर संवाददाता धौलपुर से खबर। अगली खबर है यहाँ पर शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश के उपभोग की अवधि 1 जुलाई से, बीकानेर से खबर। राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस सम्मान समारोह आज, मुख्यमंत्री गहलोत होंगे मुख्य अतिथि, 109 शिक्षक होंगे सम्मानित, ब्यौरा नवज्योति जयपुर से खबर। शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं। अगली खबर है सुगत मित्रों ने 3 प्रयोगों से साबित किया कि बच्चों को ग्रुप में अकेला छोड़ो तो वह एक दूसरे के गुरु बन जाते हैं, बड़ी खबर। अगली खबर है
पंचिका विभाग परीक्षाएं बीकानेर की बड़ी लापरवाही। डीएल एंड की 3000 सीटों की दूसरी चयन सूची अभी वेटिंग में, प्रक्रिया ही सितंबर में खत्म होगी तो पढ़ाई कब। चलिए अगली खबर है, इनोवेटिव टीचर, शिक्षक जो कर रहे हैं पढ़ाने के तरीकों के साथ प्रयोग, क्लासरूम ही नहीं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भी गुरु शिष्य का भावुक रिश्ता बनता है मुजाल। तो यहाँ पर बड़ी खबर देखने को मिल रही है। अगली खबर है, इतिहास के प्रोफेसर युवाल नोवा हरारी जो दुनिया को दिखाते हैं भविष्य की तस्वीर। दुनिया के सबसे लोकप्रिय शिक्षक हरारी ने कहा, टेक्नोलॉजी इंसान को हैक कर लेगी और कोई नौकरी 5 साल ही नहीं चलेगी। बड़ी खबर, 5 साल में स्कूलों में 82,000 शिक्षक घटे, कुल 5 लाख शिक्षक की कमी। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 लाख शिक्षकों की कमी है पूरे इंडिया में। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हमारी नालंदा। अगली खबर है, यहाँ पर शिक्षकों को देखा नहीं पर इनके बिना पढ़ाई नहीं हो सकती। बड़ी खबर, अगली खबर है, कृषि विभाग में 3600 से कम ग्रेड पे कार्मिकों की भर्ती SSC से होगी। तो यहाँ पर कृषि विभाग में अब SSC करवाएगा इस भर्ती को। अगली खबर है, बंकर स्कूल जहाँ गोले भी बरसते हैं पढ़ाई न रुके, इसलिए बच्चों को तहखाने में पढ़ाते हैं शिक्षक। अगली खबर है, उर्दू पदों के सर्जन की मांग को लेकर CM को ज्ञापन, अजमेर से खबर। अगली खबर है, 9 तक ही मिलेगा सेपू के राजकीय कॉलेज में प्रवेश, सेपू से बड़ी खबर। तो दोस्तों आज के शिक्षा जगत समाचार की ये पूरी खबरें थी, और हेल्पर टू वाले के लिए मैं बता देता हूँ, उनके लिए एक स्पेशल न्यूज़ है, वो जल्दी से अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर ले क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट 9 तारीख से 14 तारीख के बीच है। तो उनके लिए फिर बाद में वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, जो विद्यार्थी फर्स्ट लिस्ट में नंबर नहीं आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हेल्पर टू वालों के नई भर्ती के साथ, अगली भर्ती और आएगी आपके लिए एनर्जी विभाग में। धन्यवाद।